कि आपके भी बच्चे मोबाइल होम स्क्रीन का ऐप को इधर उधर कर दे रहा है। जैसे कि आप यहाँ देखिए, इधर उधर ऐप हो जा रहे हैं और आप इससे परेशान हैं, और आप चाहते हैं जो ऐप जहाँ पर है वहीं पर एक जगह फिक्स हो, लॉक हो, तो आप आसानी से एक जगह ऐप को रख करके लॉक कर सकती हो। बच्चे चाहे कितना भी कोशिश कर ले, एप्लीकेशन ऐप इधर उधर नहीं होंगे। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा होम स्क्रीन का ऐप को एक जगह कैसे लॉक कर सकती हो और इधर उधर होने से कैसे रोक सकती हो। सो इस वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ देखिए, ऐप इधर उधर हो जा रहे हैं, बच्चे आपके ऐप को इधर उधर कर दे रहे हैं और आप परेशान हैं, और आप चाहते हैं ये ऐप जो है एक जगह लॉक हो जाए, बच्चे इधर उधर ऐप को ना करे, तो आप आसानी से एक जगह लॉक कर सकते हो। इसके लिए आपको अपने फ़ोन में फ़ोन सेटिंग को ओपन करना है। इस तरह आने के बाद आप खोजेंगे तो आपको यहाँ नीचे मिलेगा सेटिंग्स। सेटिंग ओपन करने के बाद आप यहाँ देखेंगे, कहीं पर भी आपको यहाँ मिल जाएंगे होम स्क्रीन एंड वॉलपेपर। जैसे कि आप यहाँ देखिए, लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर है। आपके फ़ोन में होम स्क्रीन एंड वॉलपेपर हो सकते हैं, अदरवाइज लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर हो तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह आ जाए तो अच्छी बात है। वीवो आईक्यू का फ़ोन होगा तो आपके सामने इस तरह आ जाएंगे, अदरवाइज कोई अदर कंपनी को होगा तो कोई दूसरा इंटरफेस आ सकता है, कोई बात नहीं है। दूसरा इंटरफेस आए तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन पर क्लिक करने के बाद इस तरह आ जाए तो आपको यहाँ होम सेटिंग पर क्लिक करना है। और अगर आपका दूसरा फ़ोन है और दूसरा इंटरफेस आ रहा है तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे ना, यहाँ पर जैसे आते हो, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आ जाएंगे कई सारे सेटिंग्स आ जाएंगे। आपको यहाँ इस तरह करके खोजना है, एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम होगा लॉक होम स्क्रीन लेआउट। आप यहाँ खोजेंगे, ऊपर या नीचे कहीं पर भी मिल जाएंगे। खोजने के बाद उसके सामने एक बटन मिलेगा, उसे आप इनेबल कर देंगे। जैसे कि आपके सामने इसमें दिखाता हूँ, होम सेटिंग पर क्लिक करता हूँ। अगर आपका वीवो आईक्यू का फ़ोन है तो आप यहाँ होम सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ देखेंगे लॉक लेआउट है, आप इसे इनेबल कर देंगे। जैसे कि हमने बता दिया पहले ही, अगर दूसरा फ़ोन है तो लॉक होम स्क्रीन लेआउट आ सकता है। अगर सेम लग रहा है, सेम ऑप्शन आ रहा है तो आप इसे इनेबल करेंगे। इनेबल करने के बाद, क्लोज करने के बाद आप यहाँ चेक करेंगे कि आपका ऐप इधर उधर हो रहा है या नहीं। आप यहाँ देखिए, नहीं हो रहा है। प्रेस करने के बाद इधर उधर हो ही नहीं रहा है, और यहाँ पर इस तरह से लिख कर आ रहा है, परेशान हो जाइएगा। फिर भी यहाँ पर नहीं होगा और लिख करके आ जाएगा होम स्क्रीन लेआउट लॉक। आप यहाँ देखिए, कोई भी ऐप इधर उधर नहीं हो सकता है। अब आपके बच्चे इस ऐप को इधर उधर नहीं कर सकते हैं। इस तरह आप आसानी से अपने होम स्क्रीन का ऐप को इधर उधर होने से रोक सकते हो, स्टॉप कर सकते हो, लॉक कर सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।